सुन लो भैया कान खोल के, 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 भक्त हमारे प्राण कह रहे भुजा उठा भगवान, कह रहे भुजा उठा भगवान, कह रहे भुजा उठा भगवान, कह रहे भुजा उठा लोगों की भाषा है, भैया तू कौन है? मैं तो ब्राह्मण हूं। तू कौन है भैया? अरे मैं तो वैश्य हूं बनिया। अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो हूं। ये केवल संसार में पूछा जाता है, लेकिन भगवान के दरबार में तो कुछ और ही परिचय होता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई प्यारे। अरे सुन लो भैया कान खोल के, सुन लो भैया भगवान कह रहे हैं। भक्त कहते हैं कि मैं उनका स्वामी हूं, लेकिन कोई मेरे दिल से भी तो पूछे। भक्तों ने तो कह दिया कि आप मेरे स्वामी हो, लेकिन कोई मेरे दिल से पूछे मैं स्वामी हूं कि कौन हूं। भगवान ने कहा नहीं 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 भक्तों, तुम भले ही मुझे अपना स्वामी मानो, लेकिन मैं सदा सर्वदा तुम्हारा दास बन के रहना चाहता हूँ। भक्त कहे मुझे अपना स्वामी, पर मैं भक्तन दास। भक्त कहे मुझे अपना स्वामी, पर मैं भक्तन दास। प्रेम की डोर में बंधा सदा मैं नौ भक्तन के पास। प्रेम की डोर में बंधा सदा मैं नौ भक्तन के पास। भक्त बिना नहीं मेरा गुजारा, बिना नहीं मेरा गुजारा। भक्त बिना नहीं मेरा गुजारा।
चित रूप धरू भक्तन के हित सेवा का सुख पाऊं। विविध रूप धरू भक्तन के हित सेवा का सुख पाऊं। क्यों जी, भगवान के पास तो बहुत सारे पार्षद हैं। भक्तों की सेवा के लिए भगवान अपने दरबार से किसी भी मंत्री संतरी को भेज सकते हैं, लेकिन भगवान स्वयं ही क्यों आते हैं? भगवान स्वयं इसलिए आते हैं भगवान भक्तों की सेवा के लिए, क्योंकि भगवान भक्तों को अपना इष्ट मानते हैं, और इष्ट की सेवा नौकरों से नहीं कराई जाती, अपने हाथों से ही की जाती है, अपने हाथों से की जाती है। किसने कहा भगवान आप कंस आदि रावण आदि का उद्धार करने के लिए बार बार धरती पर जाते हो? यहाँ बैठे बैठे भी तो कर सकते हो, आप संकल्प शक्ति से इनका उद्धार कर सकते हो। भगवान ने कहा प्यारे ये तो तेरा भ्रम है कि मैं कंस को मारने के लिए रावण को मारने के लिए इन सब के लिए जाता हूँ, अरे इनका उद्धार तो मैं यहाँ बैठे बैठे कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ बैठे बैठे मुझे मैया यशोदा की गोदी थोड़ी मिलेगी, यहाँ बैठे बैठे मुझे ब्रजवासियों का प्रेम थोड़ी मिलेगा, यहाँ बैठे बैठे मुझे शबरी के झूठे बेर खाने को थोड़ी मिलेंगे, यहाँ बैठे बैठे मुझे विदुरानी के छिलके खाने को थोड़ी मिलेंगे। इन दैत्यों के लिए नहीं जाता मैं, तो केवल अपने भक्तों का प्रेम पाने के लिए बार बार जाता हूँ। उठा भगवान कह रहे, उठा उठा।
दुर्योधन का था और उसने विश्व भर से एक बढ़िया रसोईया भी बुलाए होंगे, भगवान का निमंत्रण किया, 56 भोग बनवाए और 56 भोग बनवाने में कम से कम 4-5-10 दिन भी लगे होंगे। निमंत्रण था दुर्योधन का और भोजन करने गए विदुरानी के घर। क्यों जी, जिसके यहाँ निमंत्रण हो उसी के यहाँ प्रसाद पाना चाहिए, दूसरे के जाए तो जिसने निमंत्रण दिया वो नाराज हो जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, इसने पकवान तो बनाया लेकिन इसके हृदय में भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसके पास 56 भोग हैं लेकिन मेरी काकी के पास भाव है, प्रेम है, ममता है, वात्सल्य है। इसलिए दुर्योधन के 56 भोग नहीं बल्कि मैं तो अपनी विद्रानी काकी के घर जाकर ही उसके प्रेम से लगाए हुए उन भोगों को ही आरूंगा। इसलिए दुर्योधन के मेवा त्याग दिए और भगवान कहां पहुंचे? किसी के घर जा छिलके खाए, 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 याद सकल पकवान कह रहे बुझा उठा भगवान, कह रहे बुझा उठा भगवान, कह रहे बुझा उठा भगवान, कह रहे बुझा उठा भगवान। अरे सुन लो भैया कान खोल के, सुन लो भैया बालक इस रघु चर्मकार के घर में श्री रैदास जी के रूप में प्रकट हुए। बड़ी सुंदर बाल लीला है किस प्रकार भगवान ने आकर के
श्री रैदास जी की सहायताएं की, किस प्रकार श्री रैदास जी की भक्ति का वो ध्वज संपूर्ण जगत में फहरा, इन सब विषयों पर चर्चा हम कर। आज प्रथम दिवस है, भूमिका बनी है और आप सब के भाव को देख कर के लग रहा है कि आप सब भी साधारण नहीं, आप सब भी श्री हरि कथामृत, श्री भक्तों की कथामृत को रसपान करने के लिए मानो कई वर्षों से प्यासे बैठे हों। आप सब का भाव हमको दृष्टिगोचर हो रहा है, आप सब के हृदय में युगल बैठे हैं, श्री सरकार बैठे हैं। शेष चर्चा हम सब कल करेंगे। आज तो श्री रैदास जी का जन्म, पिछले पूर्व जन्म की कथा को हमने श्रवण किया, श्री भक्तमाल जी के माध्यम से कुछ भक्तों की महिमा का गायन किया। कल विस्तार के साथ हम सब कथा चरित्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि जिन भक्तों की महिमा स्वयं भगवान अपने मुख से बखान कर रहे हों, वे भक्त साधारण नहीं हो सकते, वे भक्त सामान्य नहीं हो सकते, वे भक्त ठाकुर जी के निज प्राण हैं, वे भक्त श्री ठाकुर जी की निज आत्माएं हैं। ऐसे भक्तों के चरित्रों को भाव से हम सब श्रवण करेंगे। अभी तो दो मिनट के लिए जरा भाव से पुकार लीजिए, कहिए सुन लो भैया कान खोल के, 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 भक्त हमारे प्राण कह रहे बुझा उठा भगवान, बुझा उठा भगवान, कह रहे बुझा उठा भगवान, भगवान शंकर और माँ पार्वती नंदी पर सवारी करते हुए धरती पर भ्रमण कर रहे थे। तो भगवान शंकर ने एक जगह नंदी को कहा रुको, और नंदी रुके और भगवान शंकर नंदी पे से उतरे हैं, और भगवान शिव ने उस गांव में साष्टांग दंडवत की और लोटपोट की, खूब जैसे खेत है इसमें खूब लोटपोट करी भगवान शंकर ने। पार्वती जी ने कहा कि भगवान लोग सही कहते हैं, आप बहुत भोले हो, आप तो थोड़े पागल भी हो। भगवान शिव ने कहा मैं पागल हूं ये तुम कैसे कह सकती हो, का प्रणाम करने के लिए कोई तो चाहिए, ना यहाँ कोई मंदिर है, ना किसी देवता का स्थान है, ना कोई वृक्ष है, ना कुछ है, आप इस खुले खेत में इस बंजर भूमि में प्रणाम कर रहे हो, प्रणाम ही नहीं लोटपोट भी मार रहे हैं, ये पागलपन की निशानी नहीं है। भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं देवी, ये स्थान सामान्य नहीं है। पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ अगर ये सामान्य नहीं है तो फिर क्या स्थान है। कहा देवी मैंने इस स्थान को इसलिए प्रणाम किया है कि आज से 10,000 वर्ष पहले यहाँ एक भगवान के बहुत प्यारे भक्त हुए थे। जिस प्रकार भगवान राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या जी, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि श्री मथुरा जी, गोकुल जी आदि को लोग प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में भगवान के भक्त प्रकट हो जाएं, उस जन्मभूमि को भी प्रणाम करना चाहिए। तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व यहां पर भगवान के एक भक्त प्रकट हुए थे, तो मैं तो भक्त की उस जन्मभूमि को प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी ने कहा कि अगर भगवान के भक्त यहाँ पैदा हुए थे तो यहाँ इतना बंजर क्यों है। कहा बावरी यहाँ बंजर इसलिए है, जिस समय वह भक्त अपने जीवन की लीला को विश्राम देकर के भगवान के लोक में गए हैं, भगवान के लोक में गमन किया है, उस समय भगवान के भक्त के साथ साथ संपूर्ण ग्रामवासी, क्या यहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतु भी भगवान के धाम को प्राप्त कर गए एक भक्त के कारण, इसलिए मैं प्रणाम कर। प्रणाम हो गया प्रभु? हाँ हो गया प्रणाम, हो गया। आगे चले, आगे चले, थोड़ी और आगे यात्रा की, फिर भगवान शंकर ने नंदी जी से कहा रुको रुको नंदी रुको। अब नंदी फिर रुके और भगवान शिव ने उतर करके फिर पहले की तरह उस धरती को प्रणाम किया, खूब लोटपोट की। पार्वती जी ने कहा वहां तो 10,000 वर्ष पहले कोई भक्त हुआ था इसलिए प्रणाम किया, अब यहाँ कौन सा आश्चर्य जरा बता दो। कहा देवी यहाँ आगे 10,000 वर्ष के बाद कोई एक भक्त का जन्म होने वाला है, इसलिए उस भक्त की जन्मभूमि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वहां 10,000 वर्ष पहले कोई भक्त पैदा हुआ था इसलिए प्रणाम किया, और यहाँ 10,000 वर्षों के बाद एक भक्त जन्म होगा, एक भक्त का जन्म होगा, इसलिए मैं इस धरती को, उस जन्मभूमि को, उस भक्त की जन्मभूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। पार्वती जी ने भक्तों की ऐसी महिमा को देख करके, भक्तों के प्रति अपने
अपने प्राणनाथ के हृदय में ऐसी भक्ति देख करके नतमस्तक हो गई। पार्वती जी ने कहा, नाथ जब तो मुझे आश्चर्य था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि भगवान से ज्यादा तो भगवान के भक्तों की भक्ति में सुख है, तभी तो आप भक्तों की जन्मभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं भगवान शिव ने और माँ पार्वती ने भक्तों की उस जन्मभूमि को साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। ये भक्तों की महिमा है साहब, क्यों ना हो, क्योंकि अपना सर्वस्व न्योछावर करके भी भगवान से भक्त कुछ कहते नहीं, बस आप सुखी रहो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यू विवाह वाह है और यू विवाह वाह है प्यारे। हो सकता है कि सांसारिक धन का अभाव हो, भाई प्राय भक्तों के जीवन में अभाव बहुत देखा गया है, प्राय भक्तों के पास ज्यादा धन नहीं मिलता है, लेकिन जो धन भक्तों के पास है वो इस संसार में बड़े बड़े अरब खरब पतियों के पास भी नहीं मिलता, वो तो केवल कागज के टुकड़ों को अपना धन मान करके अपनी छाती से लगा करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी कंगाल है, क्योंकि एक देश की करेंसी दूसरे देश में नहीं चल सकती, तो यहाँ कमाए हुए कागज के टुकड़े वहाँ कैसे चलेंगे प्यारे, वहाँ का धन भी तो कुछ और है। भारत का पैसा अमेरिका में नहीं चलेगा, भारत के पैसे को अमेरिका में चलाना है तो मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब एक देश का पैसा दूसरे देश में वो धन नहीं चल सकता, तो यहाँ कमाया हुआ धन वहाँ कैसे चलेगा, वहाँ तो केवल एक ही धन चलेगा, जो बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों के पास नहीं, वो तो केवल भगवान के भक्तों के पास है, वो तो केवल भगवान के संतों के पास है, और वो धन है हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ये धन आपने इकट्ठा नहीं किया है तो आज से लेके परसों तक 3 दिन के लिए ये खाते यहां खोले जा रहे हैं, और राधा नाम का धन आपका डिपॉजिट हो जाए तो इसलिए शायद प्रिया प्रीतम ने हमको एजेंट बना के यहां भेज दिया हो, आप सबकी पर्चियां तैयार कर देंगे, हम खाता खोल देंगे। अगर आप चाहते हो कि जैसे यहाँ सुख में जी रहे हो वहाँ भी सुख में आपकी सब व्यवस्था हो जाए, तो इस धन की व्यवस्था कर दो, क्योंकि बिना धन के कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ भी धन चाहिए तो वहाँ भी धन चाहिए, अंतर सिर्फ इतना है यहाँ कागज के टुकड़ों से भी काम चल सकता है, वहाँ तो केवल राधा नाम रूपी धन से, हरि नाम रूपी धन से, गुरु नाम रूपी धन से काम चलने वाला है। इसलिए आप चाहो कि अगर आपके पास धन है और खाता खुलवाना चाहो तो दोनों हाथ उठा करके आप भी बोलिए भाव से, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा।
मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल सभी किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, हे किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे, किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे, किशोरी राधे बड़ी भोरी राधे, किशोरी राधे बड़ी भोरी राधे, मेरो प्यारो 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 राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी 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 राधे, हे किशोरी राधे बड़ी भोरी राधे, किशोरी राधे बड़ी भोरी राधे। देखो जब कथा सत्संग कीर्तन में आनंद लेना हो तो जरा दोनों हाथ उठा के, और बल्कि अब तो अपने स्थान पर खड़े होकर मस्ती में झूमते हुए, ओ मेरो प्यारो राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी 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 राधे, हे किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे, किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे, किशोरी राधे बड़ी भोरी राधे, किशोरी राधे बड़ी भोरी राधे, मेरो प्यारो 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 राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। राधा राधा राधा।